नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। कोरोना संक्रमण के लगातार कम होते जा रहे मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने ब्लैक फंगस के लिए वैकल्पिक दवाओं की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही मानव संसाधन बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। गोरखपुर तथा बस्ती व सिद्धार्थनगर का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम को लखनऊ पहुंचे। यहां शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और इंसेफ्लाइटिस आदि से बचाव व इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि लोगों की जिंदगी भाजपा के राज में बहुत सस्ती हो गई है। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को घर से निकलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखना चाहिए कि भाजपा के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के लोग कैसे सबकी मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने बैठक में अधिकारियों के साथ कोरोना टीकाकरण, ऑक्सीजन की उपलब्धता व अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई गर्भवती कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे अनिवार्य रूप से कोविड हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराया जाए। लक्षण युक्त मरीजों का एंटीजन या RT-PCR जांच कराने को भी कहा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच सेवा सत्याग्रह अभियान का आगाज किया। सेवा सत्याग्रह का ये अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसमें गांव-गांव लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव में जाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों में हेल्पलाइन नंबर, होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों और कोविड के किसी लक्षणों से ग्रसित मरीजों के लिए दवा की उपचार किट गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय तिवारी जी ने बताया कि सेवा सत्याग्रह जिले के प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक गांव में कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं द्वारा गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। उसी क्रम में प्रत्येक गांव में जिनके परिवार या परिवार के सदस्य इस महामारी में पीड़ित हुए हैं उनकी सहायता की जाएगी। तो कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह शुरू किया है। इस अभियान के तहत वो गांव-गांव जाकर जिन गांव वासियों को, ग्रामीणों को इस कोरोना काल में जिन भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके तहत वो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराने का उन्होंने अभियान छेड़ा है, जिसमें वो गांव-गांव जाकर सैनिटाइज करेंगे और लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाएंगे, साथ ही साथ दवाइयों की भी। प्रदेश में कोरोना के इलाज में कोई निश्चित प्रोटोकॉल न होने के कारण डॉक्टर अपने अपने हिसाब से उपचार कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर में इसके उपचार में मरीजों पर परजीवी रोधी, एंटीबायोटिक, विटामिन व जिंक से लेकर स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है। दवाओं की ये भारी भरकम नुस्खे कितने कारगर रहे, इन दवाओं के अधिक सेवन से सेहत पर क्या कोई दुष्प्रभाव पड़ा, चिकित्सीय जगत में अब दवाओं के इस भारी भरकम नुस्खे पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये तमाम सवाल उठने लगे हैं कि इन दवाओं के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावी हो रहा है, इस कारण ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ रही है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के बाद मरीजों की जो लाइनें लगी उस पर कहीं ना कहीं डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और नया प्रयास जो भी है तो आप देख सकते हैं कि इस हद तक जब मरीज आते हैं कि जिन्हें तुरंत तुरंत उपचार देना होता है उसके बाद किस तरह की दवाइयां उनको दी जाए इसको सोचे बगैर बस उनकी जान बचाने का जो डॉक्टर्स का प्रयोग रहता है उसमें स्टेरॉइड और उसमें कई तरह की दवाइयां शामिल हैं, जिसके बाद पोस्ट कोविड का जो रिएक्शन है वो अब ब्लैक फंगस के तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता बढ़ा रहा है कि कोरोना से जान बचाने के बाद ब्लैक फंगस से किस तरह से निजात पाई जा सके और क्या ये जो दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं क्या वो सही है।
यास चक्रवात की रफ्तार काफी धीमी होने से बनारस में बारिश रुक रुक कर हो रही है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि आज रात तक लगातार इसी तरह से बारिश होगी। वहीं इस बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि हवाएं, तूफान व प्रभाव करीब 36 घंटे तक रहेगा, जिसके कारण वर्षा तो नहीं रुकने वाली है। तो यास तूफान के बाद लगातार बारिश और मॉनसून का जो वो मौसम है वो तेजी से आ रहा है, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस रेड अलर्ट का मतलब है कि साफ तौर पर 36 घंटे तक लगातार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उन्नाव के बागरमऊ में व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। व्यापारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि हिंदू संगठन का क्षेत्रीय पदाधिकारी ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। हत्या में 3 लोग शामिल हुए थे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। व्यापारी हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक क्लिनिक पर भारी तादाद में मरीज और तीमानदार दिखे, इसके बाद मौके पर पहुंचे ACMO देवेश चौधरी ने वहां मौजूद कर्मियों से पूछताछ की और जमकर फटकार लगाई। क्लिनिक को सील करने की कार्यवाही भी की गई और झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। झोला साहब है वो प्रैक्टिस कर रहा है और वहाँ पेशेंट पाए गए हैं, तो इस सूचना के आधार पर वहाँ मौके पर निरीक्षण किया गया। जब मौके का निरीक्षण किया गया तब तक वहाँ झोला साहब डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा था वो वहाँ से फरार हो चुका था। अजी डॉक्टर साहब, सूचना किस चीज की? मरीज झोला साहब डॉक्टर की दुकान पर कैसे कैसे इलाज होते थे? हाँ जी, हाँ जी, तो नहीं, जब वहाँ मौके पर हुए तो वहाँ डॉक्टर तो फरार हो गया था, और मौके पर एक पेशेंट मिला हमें वहाँ जो लूज मोशन से मतलब पेट में। देश का अन्नदाता एक बार फिर परेशान दिख रहा है। गेहूं की तुलाई में भारी गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 100 क्विंटल गेहूं की रजिस्ट्रेशन पर लेखपाल द्वारा रजिस्ट्रेशन सत्यापित किया जाता है। वहीं क्षेत्रीय सहकारी समितियां 20 क्विंटल से ज्यादा किसानों के गेहूं को नहीं खरीद रही है। इसके अलावा 1 से 2 महीने पुराने टोकन होने के बाद भी किसानों की गेहूं की तुलाई नहीं की जाती है। गेहूं की तुलाई की समस्या को लेकर किसान अधिकारी से मदद मांगने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि समस्या का हल नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। तो किसानों को एक बार फिर अपनी गेहूं की तुलाई को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गेहूं का जो स्टोरेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसको लेकर अब किसान परेशान हो रहे हैं उसकी तुलाई को लेकर। बदायूं में कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां शादी समारोह में काफी संख्या में भीड़ नजर आई और बिना मास्क के ही इकट्ठा हुई भीड़ ने प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिखाया और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर उसी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरे मामले में थाना प्रभारी की ओर से सफाई पेश की गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शादी समारोह में लोग झूमते नाचते कहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स को भूल गए, और वो ये भूल गए कि इस वक्त महामारी का दौर चल रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने सफाई पेश की। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों का कहना है कि मृतक सुबह शौच के लिए घर से निकला था, जिसके बाद उसे फंदे पर लटकते संदिग्ध हालत में पाया गया। वहीं परिजनों ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो शौच पे गए युवक का शव फंदे से लटकता मिलने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। फिलहाल युवक की हत्या है या उसकी आत्महत्या उसने की है, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं चल पाया है। सुल्तानपुर में एक थाना अध्यक्ष ने अनूठी पहल शुरू की है। कच्ची शराब बनाने वाली कई महिलाओं को उन्होंने थाने में बुलाकर अब शराब न बनाने की कसम दिलवाई।
साथ ही अन्य काम को करने की सलाह दी है। फिलहाल थाना अध्यक्ष का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग उनकी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि थाना अध्यक्ष ने लोगों को थाने बुला के तमाम महिलाओं को समझाया कि वो इस तरह का काम ना करें। कला थाना में बाबा का सगरा और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां कच्ची शराब बनाने की काफ़ी शिकायतें रहती हैं और पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा लगातार उस पर नज़र भी रखी जाती है। फिर भी चोरी छिपे शराब की घटनाओं के होने के पीछे मुख्य कारण है कि उनके पास कोई और रोजगार का ऑप्शन नहीं है। पुलिस की पहल पर एक तो उनको रोजगार, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध कराया गया है और शीघ्र ही एक कार्ययोजना के साथ हम लोग इस क्षेत्र में उतरेंगे। वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं इस तरह के उनको रोजगारोन्मुख सहायताएं और सुविधाएं। शाहजहांपुर के थाना निगोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग भी हुई। पूरी घटना के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर लूट सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस सहित 3 बाइक बरामद हुई है। कल रात एसओजी एवं थाना निगोही पुलिस के संयुक्त अभियान में एक अंतर जनपदीय लुटेरों के गिरोह को एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं ये सभी जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, थाना शाहबाद क्षेत्र के। यहाँ इनके द्वारा थाना निगोही क्षेत्र में अप्रैल एवं मई में 2 घटनाएं की गई थी जिसमें जो तकादा करके लोग वापस जा रहे थे उनसे जो तकादे के रुपए थे वो छीन लिए गए थे। तो इसके आधार पर इसकी सुराग रशी चल रही थी और बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो अपराधी है। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काल के अंधेरे में ढकेल दिया था। हर रोज हजारों मौतें, हर दिन बढ़ते मामले सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा कर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हर रोज हाईकोर्ट और मीडिया द्वारा सरकार की फजीहत हो रही थी, लेकिन इससे इतर कोरोना जैसी बीमारी से खुद ग्रसित हुए यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और लगातार एक के बाद एक कड़े कदम उठाकर यूपी को फिर से अंधेरे से वापस लाकर सूरज की रोशनी में खड़े कर देते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बेकाबू होते कोरोना को काबू में किस कदर लेकर आए और आलोचना करना, विरोध करने वालों को उन्होंने किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में सामने आकर किस तरह से उन परिस्थितियों को संभालते हुए अनुकूल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना को लेकर ये जंग। साल 2017, पार्टी बीजेपी, जो करीब 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद सत्ता में वापस आई थी, वो भी ऐसे प्रदेश में जहां का राजनीतिक गुड़ाभाग करना हर किसी के बस की बात नहीं। बीजेपी के सामने थी सत्ता में बैठी सपा के रूप में एक बड़ी चुनौती, लेकिन हर चुनौती का सामना करके और हर मुश्किलों को पार कर आखिरकार बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी होती है। फिर चलता है सीएम के दावेदार को लेकर मंथन। पार्टी के सामने मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नाम फेहरिस्त में होते हैं, लेकिन खैर जिस बड़े फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है उसने ठीक कुछ ऐसा ही किया। उसने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी योगी आदित्यनाथ को, जो गोरखपुर के मठ में महंत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें सौंपा गया यूपी का विशाल साम्राज्य। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा।
बाद सत्ता में बीजेपी और योगी के सामने वैसे भी कई बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती योगी के सामने तब आ गई जब चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी। इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए पड़ा था, लेकिन योगी तो खैर योगी है, वो कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर की तैयारियां करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए। पिछली लहर या यूं कहें कोरोना का भारत में आगमन, तब भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हर जरूरी कदम उठाए थे और प्रवासी मजदूरों को भी हर संभव मदद प्रदान की थी। कोरोना ने जब थोड़ा राहत दी तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं रुके, उन्होंने आगे की तैयारियों के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए। फिर आती है दूसरी लहर जिसने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, जिसने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यूपी में हालात इतने बिगड़ गए थे कि हर रोज हजारों मौतें हो रही थी और लाखों में रोजाना के मरीज आ रहे थे। लाचारी और बेबसी का वो आलम था कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पा रहे थे। हर तरफ भय और डर का माहौल था, तबाही का मंजर सामने था। अस्पतालों के बाहर लोग तड़प रहे थे, सवाल कर रहे थे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से कि आखिर हमारी गलती क्या है। ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना एम्बुलेंस और मरने के बाद शमशान में भी जगह नहीं। मंजर ये था कि उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों की चर्चा और भारत में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। हर रोज उत्तर प्रदेश सरकार को एक नया चैलेंज देखने को मिलता था और हर रोज योगी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार हर दिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती थी। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम आलोचनाओं को परे रख उन्होंने हर वो कदम उठाया जो यूपी की खुशहाली के लिए जरूरी था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना डरावना रूप दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थी, इसके आग की आंच समूचे भारत में दिखाई दे रही थी। शमशान घाटों पर जगह न मिल पाने और लाशों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार के लिए योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई, लेकिन सरकार का केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह मौत के आंकड़ों और रोजाना मरीजों की संख्या में किसी तरह लगाम लगाया जाए। कोरोना ग्रसित भी हुए सीएम, यूं तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसे हो जाए वो काफी डर जाता है और उससे अगर बच भी गया तो वो घर में सिर्फ आराम करता है, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जब ये बीमारी हुई और जब वो इससे बाहर निकले तो वो फौरन लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की ओर से तैयार किए जा रहे COVID-19 सेंटर की प्रगति का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। कई जिलों में कोविड सेंटर के निर्माण के दिए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO लखनऊ में 450 बेड्स की क्षमता वाले कोविड सेंटर का निर्माण करवाया। इसके अलावा वाराणसी में 750 बेड्स के एक सेंटर का निर्माण किया गया। लखनऊ के अवध ग्राम में इस सेंटर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह यूपी के कई जिलों में कोविड सेंटर का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। अस्पतालों में 33,000 बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपने पैर तेजी से पसार रहा था। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, योगी आदित्यनाथ ने इन कमियों को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स का दौर स्टार्ट किया। हर रोज अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाने लगे। इसी क्रम में प्रदेश में करीब 33,000 बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। गांव पर विशेष निगरानी के दिए आदेश। पंचायत चुनाव या यूं कहें एक बहुत बड़ी आफत
जिसको लेकर योगी सरकार की बहुत फजीहत हुई। वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल खड़े हुए थे। गांवों में संक्रमण का फैलने का मुख्य कारण पंचायत चुनाव रहा। सीएम योगी ने गांवों में विशेष स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अभियान को और तेजी से चलाने का आदेश दिया। इसके लिए प्रत्येक दशा में सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में आरआरटी का गठन किया गया। लगातार दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे आ चुके हैं। वो फ्रंट में खड़े होकर कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी अब तक यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में जाकर कोविड सेंटर के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा, आगरा, झांसी समेत कई जिलों में जाकर कोरोना की स्थिति पर बारीकी से जायजा लिया है। युवाओं को वैक्सीन लगाने में यूपी अव्वल। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा युवाओं को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तीसरी लहर की आशंका के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभियान को विस्तार करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को जल्द से जल्द टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं। कोविड टीकाकरण में आगे की भूमिका निभाते हुए राज्य ने अब तक टीके की 1,62,16,379 खुराकें दी हैं। इनमें से 1,28,74,451 ने अपनी पहली खुराक प्राप्त कर ली है और लगभग 33,41,928 को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिल गई है।